सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को और दबाइए बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और इसका हाफ इंजन फिट हो रहा है और बाकी जो चैम्बर गेयरबॉक्स की फिटिंग का मैं बात को वीडियो बनाऊंगा और फिर उसको बात को एडिट करके डालूंगा। तो ठीक है फ्रेंड, मैं इस सुपर स्प्लेंडर का इंजन मान रहा हूँ। अभी फ़िलहाल इसका पैगिन लग रहा है। ये पैगिन पे ट्यूब लगाने का जो तरीका है, मैं ऐसे ही ट्यूब लगाता हूँ जैसे इस वीडियो में देख रहा हूँ, वो ट्यूब लग के कम्प्लीट हो गया है। तो अब इसका हम पैगिन लगाते हैं। फर्स्ट में ही पैगिन लगाना चाहिए क्योंकि ये स्प्लेंडर किट वाला पैगिन है, यानी ब्लॉक किट वाला पैगिन, और पैड इसमें टाइमिंग चैन जो पैड हैं वो बात को भी लग सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, इसका पैकिंग लग चुका है और पैकिंग अब हम इसको नीचे को बिठाते हैं आराम से, क्योंकि ये जल्दबाजी ना करें क्योंकि ये स्टड की चूड़ियों में फंस के फट जाता है। ऐसा भी होता है क्योंकि इसमें जल्दबाजी में एक सीन यही होता है कि इसका पैकिंग फट जाता है, डैमेज हो जाता है चूड़ियों फंस के। और ये सिलेंडर किट रिंगों पर मैंने पहले ही ऑयल डाल दिया था, थोड़ा ऑयल पिस्टन पर डालते हैं कि जो रिंग जाम ना हो स्टार्टिंग टाइम, तो मैंने पहले ही ऑलरेडी डाल दिया था। अब इसकी ब्लॉक किट फिट कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, इसकी ब्लॉक किट फिट करते हैं आराम से। तो फ्रेंड, इसका पिस्टन बैठ रहा है, आराम से बैठता है पिस्टन। इसमें जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि जल्दबाजी से पिस्टन बिठाने से रिंग बैंड हो जाते हैं, यानी रिंग मुड़ जाते हैं, तो कंप्रेशर नहीं बनता। तो फ्रेंड, इसका पिस्टन बैठ रहा है और आराम से ही बिठाना चाहिए पिस्टन, क्योंकि जल्दबाजी से तो फिर नुकसान ही होता है, क्योंकि जल्दबाजी में रिंग टेढ़ा हो जाते हैं, टेढ़े के बाद कंप्रेशर बनता नहीं है, तो तब जाके प्रॉब्लम होती है। तो पिस्टन बिठालते समय थोड़ी इत्याजी बरतें और जल्दबाजी ना करें किसी भी तरीके की। तो ठीक है फ्रेंड, इसका पिस्टन बैठ चुका है पूरा अच्छे से और ये क्रैंक घुमाने के बाद पिस्टन ऊपर आ गया टॉप पे, और इस टाइम टॉप पे है पिस्टन। और ये जो मैंने आप देख रहे हो पिस्टन पे जो निशान है 1 2 3 4 और एक ऊपर को निशान है, ये रिंग का जो जैसे मैं रिंग फांसता हूँ ना वैसे निशान लगाए, और ये टाइमिंग चल रही साइड में। अब इसका हेड फिट करते हैं। हेड मैंने ऑलरेडी कंप्लीट वाल्व सेट करके कंप्लीट करके रखा था, तो अब इसका हेड बिठालते हैं हम आराम के साथ। ठीक है फ्रेंड, और हेड भी बैठ रहा है इसका, और ये टाइमिंग चेन थोड़ी दिक्कत से पड़ती है, तो टाइमिंग चेन थोड़ी फंसती है, तो उसको हिसाब से पकड़ना पड़ता है तब जाके बैठता है, और ये हेड बैठ गया कंप्लीट। इसका हेड कंप्लीट बैठ चुका है। अब इसकी चार वाशर लगेंगी, बोल्टों के नीचे जो चार वाशर आती हैं वो वाशर लग के फिर इसके बोल्ट लगेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके 12 नंबर के सब वोल्ट होते हैं 12 नंबर के। सुपर स्प्लेंडर में अब तक जितने भी सारे मॉडल आए सब में 12 नंबर के ही वोल्ट हैं इसमें, और इसमें भी 12 नंबर के बोल्ट हैं कैब वाले। वो कैब वाले बोल्ट सेफ रहते हैं, ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, और सिंपल बोल्ट होते हैं तो उनमें ऑयल लीकेज होता है, और इनकी थोड़ी इन बोल्टों से थोड़ी टाइट भी अच्छे रहते हैं इंजन हेड, यानी जहाँ कैब वाले बोल्ट होते हैं वहाँ खिंचाव थोड़ा अच्छा होता है। ये 12 नंबर की गोटी और राइचिट मैं इससे ही टाइट करता हूँ बोल्ट, अधिकतर ज़्यादातर यूज़ में इसी का करता हूँ। तो फ्रेंड, ये बोल्ट टाइट हो रहे हैं पूरे अच्छे से, बोल्ट टाइट हो चुके हैं, और ये आमने से पहले देखो आमने सामने के बोल्ट टाइट होते हैं, क्योंकि एक तरफ का बोल्ट टाइट करके फिर प्रॉब्लम होती है इसमें, कई सारी प्रॉब्लम। और इसके साइडों के 8 नंबर के बोल्ट टाइट, ये जो 8 नंबर के बोल्ट होते हैं साइड में टाइमिंग चेन के कवर साइड, ये बात को ही टाइट करें जबकि आमने सामने का बोल्ट टाइट करके 2 बोल्ट तब जाके टाइट करें 8 नंबर के बोल्ट, क्योंकि अगर पहले टाइट करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक साइड टाइट ज़्यादा होता है तो तब जाके थोड़ी लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर टाइट हो गए फ्रेंड पूरा कंप्लीट। यहाँ के 2 वोल्ट रह भी गए थे तो मैं उनको टाइट करता हूँ। यहाँ पर 2 वोल्ट थे ढीले, ये वोल्ट ठीक है, वो तो मैंने चेक कर लिए थे पहले, पर इनको चेक करना जरूरी होता है। तो फ्रेंड, ये बोल्ट भी टाइट हो चुका है, और अब हम दूसरा बोल्ट सामने का टाइट करते हैं।
और ये भी बोल्ट टाइट हो गया फुल अच्छे तरीके से बोल्ट टाइट। फ्रेंड ये बोल्ट थोड़े अच्छे से ही टाइट करें क्योंकि लीकेज जब हेड होता है तो बड़ा गुस्सा आता है इंसान को जब लीकेज होता है पूरा इंजन फिट करने के बाद। ऐसे भी केस होते हैं कि इंजन होने के बाद भी लीकेज होते हैं क्योंकि उन गाड़ियों में शिकायत आती है जिनके स्टड स्लिप होते हैं या फिर बोल्ट स्लिप होते हैं, उनमें अधिकतर शिकायत आती है हेड पैकिंग लीकेज की। और पैकिंग लीकेज की प्रॉब्लम इतनी डेंजरस होती है सही नहीं होती है। तो फ्रेंड अब देखो इसका ये हम मैग्नेट व्हील लगा के फिर टाइमिंग मिलाएंगे इसका टाइमिंग सुपर स्प्लेंडर का जो टाइमिंग होता है टाइमिंग मिलाएंगे इसका टाइमिंग मिला के गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। ये रही इसकी टाइमिंग गलारी सुपर स्प्लेंडर की और ग्लैमर की सेम होती है क्योंकि सेम इंजन सेम पावर और सेम सिस्टम होता है इसमें, थोड़ा 19 चेंजिंग नहीं है इसमें क्योंकि इसके इंजन 125 सीसी के हैं सेम इंजन है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी गाड़ी है हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर 125 और हीरो होंडा ग्लैमर गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी है। और इसका टाइमिंग थोड़ा दिक्कत से मिलता है क्योंकि बार बार इसकी चैन उतरती है, उसकी चैन थोड़ी अलग डिज़ाइन की होती है जो गलारी में फंसती नहीं है इतनी जल्दी, तो इसमें थोड़ा एहतियाजी बरतें और टाइमिंग चैन गलारी अच्छे से फिटिंग करें जो प्रॉब्लम ना आए। तो इसकी टाइमिंग गलारी फिट हो चुकी है बिल्कुल बढ़िया से और इसका टाइमिंग अब करेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड अब हम इसके बोल्टों का सेंटर चेक करते हैं और अब हम इसके बोल्ट लगाते हैं क्योंकि टाइमिंग मिल गया है। और वो तो मैंने आपको बता दिया है कि टाइमिंग कैसे मिलाते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है ऑलरेडी, आप वहाँ से जाकर चेक करते हैं सुपर स्प्लेंडर का टाइमिंग कैसे मिलाते हैं, ऑलरेडी ही वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड अब इसका बोल्ट हम लगाते हैं 8 नंबर के, टाइट करते हैं 8 नंबर की गोटी से और ये गोटी रही और ये बोल्ट अब हम वहाँ से इसको टाइट करते हैं। और करना भी चाहिए बोल्ट अच्छे तरीके से टाइट क्योंकि टाइमिंग गलारी के बोल्ट अच्छे से टाइट होते हैं तो सही रहता है क्योंकि अगर हल्के से भी ढीले रहते हैं तो साइड इफेक्ट डेंजरस होता है इसका, तो इसलिए ये बोल्ट हमेशा अच्छे तरीके से टाइट ही रखें। और ऐसा नहीं है कि आप बोल्ट तोड़ दो फिलहाल तार लगा लगा के, पर ऐसा भी नहीं है, पर बोल्ट आप हिसाब से ही टाइट करें जो अच्छा टाइट हो। तो फ्रेंड ये बोल्ट गोटी से बढ़िया टाइट होते हैं, बाकी आप सॉकेट वाली गोटी भी ले सकते हो, टी गोटी भी ले सकते हो, किसी भी अच्छे टूल से यानी जो फिट आता हो उससे टाइट करो आप। तो फ्रेंड्स का टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, टाइमिंग की सेटिंग तो आपको पता ही है फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है देख सकते हो आप मेरे चैनल पर जाकर, और भी कई सारी वीडियो हैं आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। वैसे हर एक दिन में मैं वीडियो डालता रहता हूँ अपलोड करता रहता हूँ बाइक से रिलेटेड। तो फ्रेंड ये सुपर का स्प्लेंडर का इंजन हो गया है कम्प्लीट, टाइमिंग सेट। अब इधर साइड का थोड़ा काम रह गया है, वो काम कंप्लीट होने के बाद इंजन कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।